बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है महरीत और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। एज यू नो कि मैंने नया ये सीरीज स्टार्ट की, जहाँ पे मैं नए नए गेस्ट को लेके आती हूँ। एंड ऑब्वियसली जो आज मेरे पास गेस्ट हैं, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज वेरी वेल नोन और इनका नाम है इश्तियाक अहमद जी। एंड आई वॉज वेरी लकी कि इन्होंने मुझे अपना टाइम निकाला है। आई नो ही हैज अ वेरी बिजी स्केड्यूल। क्या हाल है आपका सर? मेहरबानी, शुक्रिया मलीत जी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे आज, मगर मैं थोड़ा बहुत अपनी ऑडियंस के लिए कोई चीज को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें, आप कहाँ से हैं, आपके स्टडीज क्या है, आपकी आप क्या करते हैं, यू नो, और आप क्यों करते हैं जो भी करते हैं, तो जस्ट अ लिटिल ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप बता दें। मेरा ख्याल था कि पीपल नो मी टू वेल नाउ कि मैं अब सारा कुछ बताऊं आपको, बट आई एम प्रोफेसर एमेरिटस, व्हिच मींस आफ्टर आई रिटायर्ड एज प्रोफेसर द University, Stockholm University made me a professor for lifetime. So I am lifetime professor of political science at Stockholm University. I am no longer working there. It's just a title. Okay. So I have published extensively on Pakistan, on the subcontinent, India-Pakistan relations, South Asia, human rights, nationalism, ethnicity, and I have several books published as well. Or so the latest book jo hai wo hai Jinnah, His Successes, Failures and Role in History. After it was published, so I went to Pakistan aur wahan pe the type of reception I got was simply overwhelming. People were, you know, very curious. And they wanted to get another perspective on the partition and on Jinnah and so on. So it went very well. Now I'm invited to India. Oh, wow. So I'm going to go there on the 6th of May. Or people who watch videos, you know, you apna YouTube pe, mujhe jante hi honge. Mehal, aap mujhe kam jante hai. Aapka audience definitely... I am born in Lahore, 24th February 1947, and I went to school there, St. Anthony's High School, then I did my graduation at Foreign Christian College, did my master's at Punjab University. Came to Sweden, did my PhD there, and then most of my professional life as a teacher, researcher, has been at Stockholm University. Then I was also in Singapore, National University of Singapore, Institute of South Asian Studies, and then I've taught in LUMS Lahore and Government College, University Lahore. So these are my teaching sort of assignments. After retirement, I've been to these places. But while I was working, it was mostly at Stockholm University. Okay, so most of your life you've been up west mein rahe hain zyada sir. Haan ji? Up west mein rahe hain zyada sir. Haan, main toh yahan pe in September, if I live that long, it will be 50 years. Achha, oh my God. So I was मैं देख रही थी आपकी चंद बुक्स एंड द फोकस जो आपका है, क्या आप हमेशा यही करना चाहते थे और या व्हाट वाज द पैशन बिहाइंड इट डूइंग ऑल दिस जो आप कर रहे हो आज, क्या आपने देखा था कि आप ये कर रहे होंगे इन द फ्यूचर और यू हैड सम अदर प्लान्स? नहीं, आई थिंक आई वाज सॉर्ट ऑफ अ ड्रीमर और मेरा पैशन था म्यूजिक बेसिकली और क्रिकेट भी था, लेकिन क्रिकेट आई रियलाइज्ड क्वाइट अर्ली के I don't have the caliber to be top class.
और म्यूजिक मैं गा बड़ा अच्छा लेता था, अब भी गाता हूँ। यूट्यूब पे मेरे गाने भी हैं, अगर आप चाहें तो सुन सकती हैं। लेकिन वो मेरे फादर भी वर एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली, तो उन्होंने मुझे म्यूजिक सीखने नहीं दिया। तो ये दो मेरे पैशन जो हैं दे वेंट ऑन द साइड, एंड फेट कह लें आप, सर्कमस्टांसेस, आई डिड वेल इन इन माई स्टडीज, नॉट सो मच एट स्कूल। आई थिंक एट स्कूल आई वॉज ब्राइट बट नॉट आउटस्टैंडिंग, बट वेन आई ज्वाइन कॉलेज देयर आफ्टर, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। आई रेड फार मोर देन माई क्लास फेलोज, एंड इफ आई कैन टेक द लिबर्टीज आई वुड से कि मैं अपनी क्लास में आधी क्लास कई दफा टीचर पढ़ाते थे और आधी मैं पढ़ाता था, बिकॉज आई वॉज इक्वली वेल रेड। तो वो मेरी किताबों का फिर इस तरह ताल्लुक बना। देन वाई डिड आई PhD मैंने की ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, द कॉन्ट्रोवर्सी के वॉट इज एन इस्लामिक स्टेट, वॉट डू दे मीन बाई इट। तो वो मेरा डॉक्टरल थीसिस है, वेयर आई डेमोन्स्ट्रेटेड कि देर आर एज मैनी डेफिनेशन ऑफ द इस्लामिक स्टेट एज देर आर पीपल विलिंग टू डिफाइन इट। सो देर इज नो जनरल कॉन्सेप्ट, और इस पे मतलब एंडलेसली यू कैन डिबेट दिस। एंड वॉट वी कैन से इज एन इस्लामिक स्टेट और अ हिंदू स्टेट और अ क्रिश्चियन स्टेट, इफ एनी स्टेट इज फाउंडेड ऑन अ रिलीजन आइडियोलॉजिकली, इट कैनॉट बी अ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द वर्ड। इट विल ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट दोज हु डोंट फिट इन टू द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रू बिलीवर। सो दैट्स द कंक्लूजन ऑफ द डॉक्टरल थीसिस। जी तो मैंने देखा कि आपके काफी सारा फोकस है एंड गो अ लिटिल बिट इन द हिस्ट्री क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे जी में जी बताऊं जी जी फर्स्ट आप थोड़ा सा हमको ये बताएं, क्योंकि यू नो हमको तो हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है, झूठी पढ़ाई गई है, एंड इट्स जस्ट टोटली डिफरेंट। तो आप बताइए कि इसके पीछे क्या सुख था, एंड यू टॉक हाईली अबाउट जिना जैसे आपने भी बात की, तो उस पर थोड़ा सा आप बताइए हमको, व्हाट वाज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस पाकिस्तान, एंड क्या जरूरत पड़ी इस वक्त? इसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी पड़ी। ये जिना साहब की एक पर्सनल जिद थी कि वो समझते थे कि वो हैं लीडर जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को अपने तरीके से थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हालात 20th सेंचुरी के 1920s ऑनवर्ड्स में, महात्मा गांधी के बाद मैस पॉलिटिक्स आ गई, एंड जिना साहब डिडंट फिट इन देयर। और लेटर ऑन ही स्टार्टेड बिलीविंग के इन अ यूनाइटेड इंडिया, और दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट ही स्टार्टेड परसुइंग कि यूनाइटेड इंडिया में द मुस्लिम्स विल ऑलवेज बी अ माइनॉरिटी एंड डोमिनेटेड बाई हिंदूज। तो इस आर्ग्यूमेंट को लेके एज अ लॉयर देन फ्रॉम द 22nd of March 1940, क्योंकि अगले दिन 23 मार्च को लाहौर रेजोल्यूशन आया जिसमें पाकिस्तान या मुस्लिम स्टेट्स डिमांड की गई। लेकिन मैंने कहा कि उससे पहले जो उनकी है ना स्पीच, 22nd मार्च वाली डिटेल स्पीच मैंने अपनी इस किताब में दी है ऑन जिना, और शो किया कि हाउ ही फ्रेम्स द आर्ग्यूमेंट वाई देर शुड बी अ पार्टीशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट पाकिस्तान। और उसमें यही कहा है कि हिंदू इज्म और इस्लाम डोंट मीट एट एनी पॉइंट, बोथ कोलाइड एज वर्ल्ड व्यूज, तो इन लोगों को अलग ही किया जाए तो अमन हो सकेगा। बट मैंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जिना साहब आयरॉनिकली वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस, इन हिज ओन वर्ड्स मैंने वो कोट किया है, 2 करोड़ मुस्लिम्स हु वुड बी लेफ्ट इन इंडिया टू लिबरेट 7 करोड़ हु वर ऑलरेडी इन द मेजोरिटी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब बात यह है कि जिना साहब का ये कोई जेन्युइन फेयर था या ये उनकी एक, वंस यू टेक अप अ कॉज देन यू लुक फॉर द आर्ग्यूमेंट्स, मेरी अपनी कन्विक्शन ये है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके फाउंडिंग फादर्स में बॉम्बे के पढ़े लिखे लोग, उनमें पारसीज का बड़ा एक रोल है, ये सारे लोग एक सेकुलर इंक्लूसिव मॉडर्न किस्म की डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे। और वहां पे कोई कांग्रेस का मुझे एक भी रेजोल्यूशन मुझे दिखा दें जहां उन्होंने इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ
कोई भी पॉलिसी बनाई हो। दो साल जब उन्होंने हुकूमत भी की तो ये बिल्कुल झूठ है कि कांग्रेस गवर्नमेंट्स वर यू नो परसिक्यूटिंग मुस्लिम्स, एंड आई हैव कोटेड वाइस रॉय लिनलिथगो हु वाज प्रमोटिंग जिना अगेंस्ट द कांग्रेस सेइंग के आई विल टेल जिना कि देयर इज नो सब्सटेंस इन दीज एक्यूजेशंस। और चार गवर्नर जो ब्रिटिश हैं वो भी यही कहते हैं कि कांग्रेस की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं थी जो मुसलमानों के खिलाफ हो। लेकिन दिस आइडिया कॉट अप एंड इट स्प्रेड बिकॉज ऑफ द मुस्लिम लीग ऑल्सो टेलिंग द लैंडलॉर्ड्स के देखो कांग्रेस की हुकूमत में जिमीदारी सिस्टम दे आर गोइंग टू अबॉलिश, सो बेटर ज्वाइन द मुस्लिम लीग टू सेव योर प्रॉपर्टीज, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। सो ये दो चीजें कि इस्लाम विल बी एनाइहिलेटेड, दीज आर जिनाज वर्ड, मुस्लिम्स विल बी ऑब्लिटरेटेड, दीज आर ऑल्सो जिनाज वर्ड्स वर्बैटिम जो मैंने कोट किया है, एंड देयर वॉज नो सब्सटेंस ऑफ दैट, यानी प्रूफ उसका या बस एक फियर था। तो ठीक है, इस फियर की बुनियाद पे फिर पार्टीशन हुई, और पार्टीशन जाते जाते अंग्रेजों ने इसलिए की कि वो समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड होगा और सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए वी नीड अ फ्रंट लाइन स्टेट आर्म्ड विद इस्लामिक आइडियोलॉजी। आई हैव कोटेड द मिलिट्री जनरल्स जो ब्रिटिश हैं सेइंग दिस। सो दैट्स हाउ द पार्टीशन टुक प्लेस। जिन्ना डिमांडेड इट, देन द सिक्स ऑफ पंजाब सेड कि अगर आप इंडिया पार्टीशन करवाएंगे रिलीजन की बेसिस पे तो हम पंजाब की पार्टीशन करवाएंगे रिलीजन की बेसिस पे, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। एंड देन इन बंगाल वहां पे उन्होंने कहा कि अगर आपने हिंदुस्तान की तकसीम मजहब पे करवानी है तो फिर बंगाल भी होगा। तो इन द एंड दे डिडंट गिव द कांग्रेस विच वॉन्टेड अ यूनाइटेड इंडिया, दे डिडंट गिव जिना द पाकिस्तान ही वॉन्टेड इंडिया पार्टीशन, लेकिन पूरा पंजाब और पूरा बंगाल मिल जाए वो जिना साहब को नहीं मिला। और पंजाब की जो सिख थे वो उनको उनके पास सिख एक थर्ड स्टेट की चॉइस भी नहीं दी गई, दे हैड टू बी पार्ट ऑफ आइदर इंडिया और पाकिस्तान, एंड दे चोज इंडिया। सो ये वेरी ब्रीफली आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड। और इस पार्टीशन में एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल वर किल्ड, और हाँ जी, और The greatest migration ever in history recorded, 14 to 15 million, crossed the border between India and Pakistan, mostly to save their lives. ये है background. तो मेरी किताबें जो है ना, उन्होंने ये सारा झूठ जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है वो एक्सपोज कर दिया, और अभी तक तो उसको चैलेंज कोई नहीं कर सका। अभी एक साल दो साल हो गए और ये किताब इंडिया में छपी थी, वहां पे इट हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंग्लिश नॉन फिक्शन बुक ऑफ 2021, और वो अवार्ड मुझे मिला है। और जब मैं पाकिस्तान में आया था ये अभी जनवरी से मार्च तक, तो आई वाज ओवरवेल्म्ड बाय द इनविटेशंस टू कम एंड गिव टॉक्स। कराची में मैंने 5 दिनों में महल 6-7 मीटिंग्स की, हैदराबाद सिंध भी हम गए, लाहौर तो मेरा है ही होम टाउन, एवरी इवनिंग वॉज लाइक अ डिस्कशन, एंड देन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, एंड देन इस्लामाबाद ब्लैक होल इफ यू आर फेमिलियर परवेज हूद बॉय, और वहाँ पे मेरी 3 किताबें वन आफ्टर द अदर 3 दिन डिस्कस हुई, एंड सरगोधा यूनिवर्सिटी ने भी मुझे बुला लिया। सो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था अपनी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई आफ्टरनून नैप, आई कुंट मैनेज इट वाइल इन पाकिस्तान। तो अब आके मैं अपनी नींद जो है ना पूरी कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इंडिया जाना पड़ रहा है, और वहां पे यू नो आई मेड अ वीडियो अनाउंसिंग, सो विद इन 22 hours 35,000 पीपल हैव यू नो व्यूड दैट, ये वो मार्किंग है कि इतने लोग विजिट कर चुके हैं, एंड मोर देन 1,000 हैव रिटन देयर कमेंट्स वेलकमिंग मी। तो आपने जो बताया हिस्ट्री का है, जो आपने ये बताया, थोड़ा सा ये बता दें कि पाकिस्तानियों को क्या इसकी पार्टीशन की हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ में बता दें, जो हमें झूठ जो हमें बताया जाता है। नहीं, वो तो यही कहा जाता है कि हिंदू जो हैं वो बड़े अपना
वो मुसलमानों से बदला 1000 साल पुराना लेना चाहते थे, क्योंकि मुसलमान यहाँ रूल करते रहे हैं, और हिंदुइज्म जो है वो एक मतलब ट्रू रिलीजन नहीं है, ट्रू रिलीजन सिर्फ इब्राहिमिक फेथ्स हैं, ये जो इस्लामिक किस्म की आर्गुमेंट्स हैं। और महात्मा गांधी को भी बुरे नज़रों से तरीके से बताया जाता है, हालांकि मैंने कहा कि शर्म करो, वो तो मुसलमानों और पाकिस्तान के हक के लिए उनको मारा उन्होंने वहाँ पे। तो फॉर गॉड सेक स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। और मैंने पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आफ्टर हिज असैसिनेशन जो स्पीचेस हुई हैं प्रेजिंग गांधी जी फॉर सेविंग सो मेनी मुस्लिम लाइव्स, वो मैंने कहा जाके शर्म करो, अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्पीचेस हैं प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की, पंजाब चीफ मिनिस्टर मुमताज दौलताना, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन, सिंध के चीफ मिनिस्टर अयूब खोड़ू, एंड फाइनली इवन जिना हैड टू एक्सेप्ट के गांधी जी वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग। तो लेकिन हमारे उस सारी किताबों में सिर्फ झूठ, सिर्फ नफरत, और उस नफरत का ये हुआ है कि चलो हिंदू आपने यहाँ से निकाल दिए, हाँ जी सिख भी निकाल दिए, बाकी माइनॉरिटीज जो छोटी थी यहाँ गोन्स हुआ करते थे, एंग्लो इंडियंस होते थे, अब आपको ना लाहौर में नजर आता है, कराची में भी मुझे नजर नहीं आए। यहाँ पे एक अच्छी भली लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में पारसी कम्युनिटी होती थी, वो भी श्रिंक होके इट हैज रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल नंबर। तो माइनॉरिटीज तो यहाँ पे जिनको चांस मिला यहाँ से भाग गए हैं, यहाँ पे वही रह गए हैं माइनॉरिटीज के जो इतने गरीब हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते। और फिर मुसलमानों के अंदर ये सोचना कि आपने एक बात कही ना कि ये जो सारा नैरेटिव, मैं इसको नैरेटिव ही कहूंगी कि हिंदू जो है वो मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहे थे, तो ये नैरेटिव तो आज भी तो चल रहा है कि अभी भी बोला जाता है कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वेस्ट भी तो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, इसराइल भी जुल्म कर रहा वो है, वो विक्टिमहुड नहीं कर रहा है मुसलमानों पे। हाँ जी, विक्टिमहुड का कार्ड बहुत ये प्ले करते हैं अब सारी दुनिया में, इस्लामोफोबिया। मैंने कहा यार यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिला के इसको 20 मिलियन मुसलमान आके सेटल हुए हैं, जितनी फ्रीडम्स उनको हैं, रिलीजियस फ्रीडम है, पीपल वर्क हार्ड एंड डू वेल, उनकी बिजनेसेस हैं, तो यहाँ पे इस्लामोफोबिया तो कहीं नहीं है। चंद पागल तो हर सोसाइटी पे आपको मिल जाएंगे जो एंटी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं या कुछ हरकतें गैर मुनासिब करते हैं, बट यहाँ की गवर्नमेंट्स की तो कोई पॉलिसी नहीं है। सो ये इस्लामोफोबिया इज अ विक्टिमहुड कार्ड जो इमरान खान जैसे पढ़े लिखे आदमी ने भी प्ले किया है। एंड जब उनसे पूछा गया कि यार व्हाट अबाउट उगैर मुस्लिम्स इन चाइना, तो वहां पे चुप। सो ही हैज नो मॉरल स्टैंड ऑन दिस इशू आइदर। ये सब पाकिस्तान का सत्यानाश एक एक इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी की बुनियाद पे हुआ है कि इफ यू आर नॉट वन ऑफ आर, इफ यू डोंट हैव द राइट बिलीफ देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर नेशन, तो उसमें आप एक्सक्लूड करते जाएं। ये जो है मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमानों की है उनमें भी झगड़े हैं, और शिया सुन्नी तो टेररिज्म भी हुई है इन द 90s। तो इन्होंने हिंदुओं को सिखों को निकाल के माइनॉरिटीज को भगा के क्या कोई इस्लामिक सॉलिडेरिटी पैदा की है मुसलमानों में पाकिस्तान में? नॉट एट ऑल। सो द टू नेशन थ्योरी वॉज अ फ्लॉड थ्योरी, इट वॉज बेस्ड ऑन जस्ट अ सिलेक्टिव नरेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो दो रिलीजन सिस्टम में डिफरेंसेस तो होते हैं ना, और कुछ ऑब्जेक्शनेबल भी होते हैं, लेकिन लोग सदियों से एक जगह रह रहे थे, और 700 साल मुसलमानों जब रूल किया है तब तो पाकिस्तान एक अलग नहीं बनाया। हाँ जी, तो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी सेकुलर किस्म की ये आइडियोलॉजी थी, और तकसीम होने के बाद इंडिया के ये पाकिस्तान के गले पड़ गई है। आज पाकिस्तान बैंकरप्ट है, क्योंकि इंडिया से आर्म्स रेस में इतनी बड़ी इन्होंने वो पैसे, वो क्या कहते हैं, रिसोर्सेज लगा दिए हैं कि ना स्कूलों के लिए है, ना अस्पतालों के लिए है,
और पॉपुलेशन कंट्रोल कोई है नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, तो हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ है। बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था और वो एक प्रॉब्लम इलाका था, दिस पार्ट वाज रिचर एंड बेटर, अब बांग्लादेश के स्कोर्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आर फार सुपीरियर टू पाकिस्तान। उन्होंने पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लिए, हाउ, बाय एम्पावरिंग विमन, और उन्होंने सेकुलर स्टेट बना दी है। पाकिस्तान जब तक ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को हैंडल नहीं ना करेगा, ये तबाही की तरफ ही जाएगा। देर इज एन इंग्लिश इंग्लिश वर्ड दैट आई यूज टू डिस्क्राइब पाकिस्तान सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स, एंड आई कॉल इट नाहेलिज्म। नाहेलिज्म मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, तो ये विक्टिमहुड लीड्स टू नाहेलिज्म, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी आपने जो चाइना की बात की ना, कि चाइना के बारे में जो इमरान खान ने बात बोली थी, तो अभी आपको पता होगा कि एक चाइनीज बंदे पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा था। एंड यू नो ब्लास्फेमी इज अ ह्यूज थिंग। मुझे तो लाइक आई एम वेरी सरप्राइज कि आप पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो आप जरूरी थोड़ी है कि आप इस्लाम पे बात करें, कोई भी चीज उनको नहीं पसंद आए। इवन लाइक जो आप जिन्ना के ऊपर बात करें, कोई तर फिरा है, यू नो लाइक पीपल हैव दो टेंडेंसीज देयर इन पाकिस्तान, तो हम सरप्राइज क्या वहां चले जाते हैं। बट इट्स गुड क्योंकि पाकिस्तान में कि हम बात ये है, मैंने ये सोचा था कि आई एम 76, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, हमेशा तो मैंने जिंदा नहीं रहना, अब जाके अगर ये मेरी बात सुन ले तो इनका ही फायदा है, अगर मेरे पे कोई हमला कर देंगे तो यार कर दें। यानी यू कांट रन अवे व्हेन व्हेन यू आर ए पब्लिक इंटेलेक्चुअल, या तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल ना बने, स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपनी किस्मत आजमाएं। तो अगर उधर नहीं आपने आना और आपने पागलों की तरह सच की बात करनी है, तो फिर उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके लिए तैयार होना चाहिए। मगर आई मस्ट से, पाकिस्तान में मुझे किसी ने हैरेस नहीं किया, मुझे कोई आईएसआई का फोन नहीं आया, ना मिलिट्री इंटेलिजेंस का आया। सो अच्छा आई थिंक दे रियलाइज दैट ये बंदा हमारी आइडियोलॉजी और इसको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इसकी इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, वो पाकिस्तान का भला चाहता है। तो आई थिंक ये विजडम उनके पास है। दैट्स गुड। ये जो आपने बात की है, क्योंकि मैंने जब मिस पाकिस्तान किया था 2007 में, तो मुझे बड़े फतवे लगे थे राइट, यहाँ पे भी धमकियां आती थी, तो मैंने भी यही सोचा था। मैंने कहा यार मरना तो है ही, या तो मैं फेस करके मर लूँ या आई एम गोना हाइड। तो फिर मैं पाकिस्तान भी गई उसके बाद, एंड आई वॉज वेरी वेलकम। मगर उस वक्त मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होकर फिर भी बात करती थी। पर ये जो मैं चाइना की मैं बात आपसे कर रही हूँ ना, कि अभी यू नो ब्लास्फेमी इज अ ह्यूज इशू। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है इन द वेस्टर्न कंट्री, तो अगर यहाँ पर कोई कुछ करता भी है, जीजस क्राइस्ट के बारे में बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं, तो पीपल मोस्टली इग्नोर इट एंड दे मूव ऑन राइट। हाउएवर इट्स डिफरेंट जब इस्लाम पे ये बात आ जाती है। तो अभी चाइना के लिए इन्होंने उस बंदे को पहली दफा बेल मिली है, एक बंदे को जिसपे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया है, एंड ही इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म यू ट्रांसपोर्टेड बैक टू चाइना। आई नो, यस यस ये आई नो कि मुसलमान लोग अभी अभी भी कितने मुसलमान पकड़े गए हैं और ब्लास्फेमी केसेस, उनमें से मुझे तो आज तक कभी नहीं सुनाई दिया कि उनकी बेल हुई होगी। तो डू यू थिंक कि हमारी जहां मर्जी होती है, पैसा जहां से आ रहा है, इकोनॉमी चल रही है, तो ऑफ उनको कोर्स ऑफ कोर्स। और अपनी वो जो पंजाबी की कहावत है, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने, इसका मतलब है कि जिनके पास माल है ना, उनके इडियट भी जो हैं, लोग कहते हैं यार कितना ये बड़ा, कितनी कमाल की बात कर रहे हैं। तो अब चाइना तो फंड करता है पाकिस्तान को, सपोर्ट करता है, उसके इंजीनियर को ये क्या कर सकते हैं, लेकिन आम बेचारा कोई प्रोफेसर, कोई वो एमडी, या कोई बेचारा हिंदू, वो करे भी कुछ ना, उस पे इनको नफरत हो तो उस पे ब्लैस्फेमी का इल्जाम लगा देते हैं और बेदर्दी से उसे मार देते हैं। ये मैं बात जो कर रहा हूँ, हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन की एनुअल रिपोर्ट्स में भी आती है, और भी पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे एनलाइटन लोग हैं वो बात करते हैं। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो दुनिया को पता नहीं है, सबको पता है कि वहां पे माइनॉरिटीज के साथ इतना बुरा सलूक होता है कि जो इस जिसके पास मुमकिन था वो चला ही गया है। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन लाहौर, देयर वर सर्टेन एरिया जहां पे ये लड़कियां वो स्कर्ट स्कूट पहन के, ये जो एंग्लो इंडियंस हैं, गोन्स, वो होती थी, वो सारे खत्म, एवरी बॉडी हैज डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। इफ तो अब रह क्या गया है,
मुसलमान रह गए हैं और वो भी झगड़ते हैं हर बात पे। कोई मौलवी दूसरे मौलवी को नहीं मानता कि ये आलिम है इस्लाम का, ये है मसला। मोहम्मद अली मिर्जा है, उनके ऊपर भी तो फतवे लगे थे, उनकी भी लोगों को यानी मारने की कोशिश की थी, तो ये कहाँ जाके रुकेगा लाइक वो, यू नो। बट एनीवेज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, तो देखिए अब तो पाकिस्तान क्रिएट हो गया राइट जी, तो देन वी हैड यू नो क्या नाम था, लियाकत अली खान आए, फिर व्हेन डिड दिस ये सारी जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में कब से जी जी वो कब से शुरू हुई है? हाँ देखें ऑलरेडी 1954 में जो कि देखें ऐसे भी, लेट मी वंस अगेन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बन गए और गवर्नर जनरल बनने के बाद उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग्स को भी प्रिसाइड किया और फैसले भी किए, ये इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की डिसमिस कर दी विदाउट यानी अगेंस्ट ऑल norms of constitutional parliamentary democracy. Karachi ki Muslim League ki hukumat Ayub Khodo ki bhi dismiss kar di because usne protest kiya ke Karachi ko aap Sindh mein rehne dein. Why are you making it a federal territory and taking it out of Sindh? Usko bhi dismiss kar diya. Bengaliyon ko ja ke kaha ke Urdu hogi state language. Yaar wo 55% ऑफ द पॉपुलेशन है और बंगाली लैंग्वेज बड़ी डिवेलप्ड है, आप किसी को एकदम इलिटरेट बना रहे हैं, तो वहाँ पे बंगालियों को रिजेंटमेंट। फिर लियाकत अली खान की असैसिनेशन हो गई, उसके बाद फॉर अबाउट सिंस 51 से 58 तक सिविल सर्वेंट्स जो चाहते थे आज एक को बना दिया, कल दूसरे को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, फिर उसे निकाल दिया, तो ये चलता रहा है। इन हालात में पाकिस्तान वंस अगेन जो आजकल है ना, इकोनॉमिकली बुरी हालत में था और उस जमाने में भी फूड शॉर्टेज हुई हुई थी, अभी तक तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला वो नहीं था पैटर्न आया ना, तो अमेरिकन वो आती थी रेड किस्म का वीट जो लोग पसंद भी नहीं थे करते लेकिन मजबूर थे खाने पे, हाँ जी, और पॉलिटिशियंस वर मेसिंग अप थिंग्स ऑल द टाइम। एक इलेक्शन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बना था, जुगतू फ्रंट, दे वन द इलेक्शंस, सिर्फ 10 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, उनकी हुकूमत बनी तो उसे डिसमिस कर दिया कह के ये जो है एक कम्युनिस्टों की हुकूमत है और कम्युनिज्म ला रहे हैं। सो दे हैव नेवर, यहाँ पाकिस्तान की जो इन हालात में फिर Finally, the army stepped in. And I tell you, I remember that day, I was 11 years old. People were dancing in the streets that now Pakistan will be saved. Because it felt like civil war ki taraf Pakistan ja raha hai. So the first open military ka state ke upar aana jo hai, 1958 October mein hai. But once they got into politics, they learned the ways how to, you know, control the levers of power and so on and so on. उसके बाद फिर आर्मी की डोमिनेशन जो है ना हमेशा पाकिस्तान में रही है, वन वे और अनदर, ये है बैकग्राउंड 58 ऑनवर्ड्स। 54 में मिनिस्टर बना लिया था जनरल अयूब को इन्होंने, आई थिंक ही वॉज डिफेंस मिनिस्टर और समथिंग, वाइल ही वॉज स्टिल द चीफ, उस जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी होते थे, दैट वॉज द टाइटल। सो वाइल retaining the title, he was also member of the federal cabinet. So that's when he enters and the army takes over then in October 1958. Aur uske baad to phir aap bhi jante hain story Pakistan ki. To aage badhte hain thoda sochte hain. To abhi tak phir bhi Pakistan thoda behtar tha. I would ji, say. Ji. So log kehte hain ki Zia-ul-Haq came and he made it into like the Islamic state. सब लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, जो भुट्टो थे उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, ही वाज आल्सो इन बेड विद दिस मौलाना साहब, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, हु डू यू थिंक इज मोर रिस्पांसिबल फॉर दिस, भुट्टो या ज़िया-उल-हक़? नहीं, ज़िया-उल-हक़ ने तो फिर उसको पूरा इस्तेमाल किया है ना कि पाकिस्तान को एक बैकवर्ड किस्म का मुल्क बना दिया जाए इन ऑल सेंसेस ऑफ द वर्ड। भुट्टो साहब यूज इट ओनली पोलिटिकली, जो जिना साहब ने पहले किया था 40s में पार्टीशन करवाने के लिए,
कि इस्लाम का कार्ड प्ले करो पंजाब के अंदर, और ये जो अहमदी ग्रुप है इसको गैर मुस्लिम करार दो तो शायद यहाँ के मौलवी भी आपके साथ आ जाएंगे। वो ऐसे हुआ नहीं, बट जब जिया केम देन ही हैड नो अदर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट के इस्लाम ही सारा कुछ होगा। और फिर आउटडेटेड जो है ना ब्रूटल किस्म की लॉज पुराने जमाने की वापस ले आए, हदूद लॉज, और कहते हैं जी कुरान शरीफ में है। यार कुरान शरीफ के उस जमाने के लिए शायद वो मुनासिब हो, सारी दुनिया में तब्दीलियां आ गई हैं, कौन पुरानी अपना लॉज को अप्लाई करता है। हाँ जी, इस तरह तो हिंदुओं में सती होती थी, सारा कुछ उन्होंने वो खत्म कर दिया सारा कुछ। तो आप मुसलमान हैं ठीक है यार, गुड इनफ, प्राइवेट फेथ है, एथिकल बिलीफ है, मॉरल बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, लेकिन द लॉज दैट यू अप्लाई शुड बी एनलाइटन्ड लॉज विच आर रेलिवेंट टू द टाइम्स इन विच यू आर डीलिंग विद सोसाइटी। आज के दौर में 7th सेंचुरी और उस जमाने की लॉज ला के इम्पोज करना, यू जस्ट ब्रूटलाइज द सेंसिबिलिटीज ऑफ पीपल, यही हुआ है। तो जिया ने उस जो इनहेरेंट था ना पाकिस्तान के आइडिया में कि ये मुसलमानों का मुल्क है, तो फिर आर्गुमेंट है कि अगर मुसलमानों का मुल्क है तो फिर इस्लामिक स्टेट एक्चुअली क्या है, वो जिया ने कोशिश की दिखाने की। ये इस तरह है, मतलब ये कोई पीपल आर नॉट फेयर व्हेन दे जस्ट गो आफ्टर जियाउल हक। आई वुड से जियाउल हक इज द एपिटमी, यू नो ही कैप्चर्स द होल रिएक्शनरी नेचर ऑफ क्रिएटिंग अ स्टेट इन द नेम ऑफ रिलीजन। उसके पास कुछ और, उसके पास कोई और पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी लोगों को चुप कराने के लिए, फिर उसने इस्लाम को हर जगह पे इस्तेमाल किया। फियर ऑफ गॉड, लोगों को डराना, इसी तरीके से हाँ सब आपका, कुछ, हाँ बिल्कुल, हाँ आपको क्या लगता है कितना इसमें वेस्ट का हाथ है, यू नो, टू मेक पाकिस्तान एज एन इस्लामिक स्टेट एंड यूज, जैसे कि आपने देखा है कि यूज किया है इनको, राइट, ये जिहादी क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। किसका हाथ, तो किसका हाथ? वेस्ट जो है, यूएस हाँ वेस्ट, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट का तो बहुत बड़ा हाल है, हाथ है पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक में एक्सट्रीमिज्म फैलाने में। देखें जब ये अफगानिस्तान में वो कम्युनिस्ट आ गए पावर में, तो फिर रशिया उनकी सपोर्ट में आया, तो तब इन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाके, मुल्कों में जाके यंग मुसलमानों को ये CIA ने और ये सऊदी अरेबिया और इन सब ने मिलके ट्रेन किया, फाइनेंस किया, यहाँ ला के उनको एक्सट्रीमिज्म सिखाई, गन इस्तेमाल करना सिखाया। और वंस यू क्रिएट अ मॉन्स्टर, द मॉन्स्टर देन हैज अ लाइफ ऑफ हिज ओन। उसके बाद अमेरिका कोई 9/11 फेस करना पड़ा ना, ये भी आप सोचें, इन्होंने ये क्रिएट किए थे, वो इनके गले पड़ गए। और हमने क्योंकि ये तालिबान और ये किए थे, तो पाकिस्तान में टेररिज्म 2002 से लेके 2013 तक कितनी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं? 80,000 लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मारे गए हैं, कुछ कहते हैं 59,000, हु नोज द एक्चुअल फिगर। लेकिन इतने लोग हमारी अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो है ना एक्टिविटीज, उनकी वजह से लोग मारे गए हैं। और इन्होंने जाके इंडिया के कश्मीर में भी लोग मारे हैं, और इंडिया के मुंबई मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह किया है। ये सारा पाकिस्तान से होता था। और मैं क्योंकि एक और भी मेरी किताब, मेरी एक और जी तालिबान और व्हाटएवर दे स्टार्टेड वन थिंग, मगर अब उसी के चेहरे में अब आपको हर जगह दिखते हैं, अफगानिस्तान में एक पार्टी हाँ दिखेगी, जी हाँ ईरान जी हाँ जी हाँ जी हाँ में एक ऑर्गेनाइजर, सीरिया में है, इवन अफ्रीका में जो जर्सी कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, यू सी, ये सो वेस्ट, पॉपिंग अप विद द सेम आइडियोलॉजी, राइट। ये और क्योंकि जी वेस्ट ने इनको ला के ट्रेन किया था जिहाद में, उसके बाद ये अपने अपने घर गए और वहां पे इन्होंने शुरू कर दिए। ऐसे हुआ है, इन्होंने वेस्ट के अंदर नहीं किया, लंदन की ट्रेन्स और अंडरग्राउंड में भी ब्लास्ट किए थे, अमेरिका में भी हो चुका है, स्पेन में हुआ था। तो यू नो पाकिस्तान वॉज यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स टू ट्रेन एक्सट्रीमिस्ट, सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ पे बनते थे। हाँ जी, ये सारा कुछ पाकिस्तान में ही हुआ है। और मेरी यहाँ पे एक और किताब है, पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, उसमें ऑल द डिटेल्स आर देयर।
कि ये क्या क्या करते रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जो गरीबों के हैं, हाँ जी, उनके कहा कि तुम्हारे खानदान को हम इतने पैसे दे देंगे, ये है वो, तुम जाके तो ब्लास्ट कर दो, और खुद इतनी इतनी दाढ़ियां और चार चार शादियां की हुई हैं, खुद गए नहीं और अपने बच्चों को नहीं भेजा, गरीबों के बच्चों को जाके सुसाइड बॉम्बर बनवा दिया, तो इससे ज्यादा क्रिमिनल एक्ट क्या होगा? या तो अपना बेटा कोई भेजे ना कि भी मैं, तुम जाओ और ये करो, गरीब तरीन लोगों को लेके, तो उनकी मजबूरियां जो हैं ये खरीद के, तो इन्होंने ये सारा कुछ किया। अब उसका क्या नेट रिजल्ट है? नेट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान इज बैंकरप्ट, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम पैरालाइज्ड है, पाकिस्तान की जुडिशरी में भी कोई यूनानिमिटी नहीं है, सो ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान आर नाउ हैव बीन लेड बेयर, एंड द प्रॉब्लम्स इन द इंस्टीट्यूशंस आर टू ऑब्वियस। मैं क्योंकि पुराना ये कह रहा था, अब ये सारा कुछ हो गया है, तो अब लोग मेरी बात इसलिए भी सुनते हैं कि उनके गले पड़ गई है ना, जब 40 रुपए की रोटी खरीदनी पड़ेगी और आपके पास इनकम बिल्कुल एक लिमिटेड हो, यू आर अ वर्कर, ये वो, तो फिर आपको खुद पता लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। हमारी एलीट तो बहुत करप्ट है, आपको पता है। क्या लगता है कि ये जो आवाम है हमारी, ये किस किस पॉइंट पे जाएगी, जहां पर ये जैसे अभी श्रीलंका में हुआ था ना कि वो उनके घरों में घुसते थे, उनके स्कूल जी, में घुसते थे, कि वो टाइम कब आएगा? क्योंकि क्या कहा तो कुछ करना पड़ेगा हमारी आवाम को कि वो इनके इनके घरों में घुसे, इनके ऑफिस में घुसे और इनसे पूछे कि भाई हमें भी खाने को, कहाँ कब आएगा वो पॉइंट? डू यू सी एनी देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है, एंड आई वुड बी प्रिजम्पशस इन सेइंग के जी अब आ जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखें, लोगों के अंदर ये जज्बा जब आता है तो तभी आता है, वरना जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीपल एडजस्ट टू द सफरिंग, ये भी होता है ना। वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर क्योंकि वो एक खास लेवल, कंफर्ट लेवल पे और उस पे चले गए हैं, उन उनके लिए मुश्किल है। हमारे यहाँ तो हमने सदियों से लोगों को दबा के रखा है, तो वो और बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक दिन होपफुली दे विल राइज एंड 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 डिमांड जस्टिस फॉर देमसेल्व्स, एंड आई एम दे आई वी आर सेइंग के पाकिस्तान को बचाना है, तो ये सारी जो है ना कॉन्फ्रंटेशन विथ इंडिया, इतना और ये सारा, ये जो देखें बिजनेसेस शुरू की हुई है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने, ये जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो हमारी आर्मी बना रही है, दुनिया में ऐसे तो मैंने कहीं और नहीं देखा। तो ये सारा कुछ जो है एट द कॉस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अभी वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी भी ऑब्वियसली हमारे जो पाकिस्तानी है उन लोगों को, स्पेशली जो ओवरसीज में देखती हूँ ना, वो ट्रक के बत्ती के पीछे लगाए हुए, यहाँ पे लोग हैं वो कंफर्टेबल हैं, उनके राइट्स हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इमरान खान की बड़ी सपोर्ट है और यहाँ पर तो यानी पाकिस्तान तो आप छोड़े, यहाँ पर अब इंडियन का क्या हाल किया हुआ है इन्होंने, अमरीका के लंदन में आई उन्होंने डोंट आई नो पूरे भी पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो तुम लोग, अपनी पॉलिटिक्स में ही रखो राइट। तो ये जो प्राउड पाकिस्तानी, हम बड़े प्राउड है, मैं भी काफी सारे लोग, तो मैं कहती हूँ तुम इतने प्राउड हो तो यहाँ क्यों हो पहली बात, राइट? एंड व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? तो आई डोंट ये जज्बा है जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बाकी क्या हो रहा है वो लोग जो है वो ये देखे, वो मैंने जाके नोट किया है, ये वो लोग हैं जो आईटी और इधर उधर काम कुम करते हैं, जरा मिडिल क्लास हैं, थोड़े वेस्टर्नाइज्ड हैं, तो वहां पहले डांस भी करते हैं, बाद में इमरान खान के साथ इस्लाम भी हो जाता है, तो इससे मिक्सचर, यानी तमाशबीन है हमारी पब्लिक ना। जी। आप कभी जाके इनके जुलूस तो देखें, ये नाच नूच भी रहे होते हैं, आई मीन दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन वाइल यू नो स्लोगन मॉन्गरिंग अबाउट इस्लामोफोबिया, ये वो, तो इट्स अ स्ट्रेंज स्किजोफ्रेनिक वे ऑफ बिहेविंग, बट फॉर देम एवरीथिंग इज ऑल राइट, वो ये सब करते हैं। हाँ, कोई देखे, इनकी कोई पोलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है ना, इनको डेमोक्रेसी के रूल्स पता है ना, ये वाकई कोई इस्लामिक प्योरिटिज्म के भी कायल है। हाँ जी, प्राइवेट लाइफ में
मेरे से शायद ज्यादा ही गुनाहगार होंगे ये लोग, एंड आई नो इट वेरी वेल। तो ये अपना लोगों को चुप कराने के, डराने के लिए ये बातें होती हैं मजहब की और इस्लाम की। हजरत उमर का जिक्र कर दिया, हजरत अली का कर दिया, यार खुद तुम्हारी हरकतें ये है कि तुम अपने मुलाजमों को इंसान भी नहीं समझते। तो ये सब, ये इट इज वो क्या कहते हैं, ये पिट चुका हुआ है ये नैरेटिव। अब दिस इज नो लॉन्गर डिफेंसिबल, नो लॉन्गर टेनेबल, ये है। नहीं कहती, अगर हिपोक्रेसी की डेफिनेशन देखी जाए ना डिक्शनरी में, तो उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आएगा, विच इज बिकॉज मैं खुद मीडिया में रह चुकी हूँ। तो मैं जब वापस गई, आई वेंट, आई वॉज हियर फॉर 14 years एंड देन आई वेंट बैक। तो मैं एज अ माइनर यहाँ आई, एज एन अडल्ट मैं वहां गई, तो मेरा तो मुंह खुला रह गया था। मैंने वाइन शॉप देखी है जमजमा में कराची पे, फिर मैं पार्टीज अटेंड, फिर मैंने मैंने कहा मेरे पे मिस पाकिस्तान होने पर क्यों उंगली उठा रहे थे, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है और एक्चुअली डबल हो रहा है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है, यही मेरा एक्सपीरियंस है, यही दिस इज माय एक्सपीरियंस। जिनके पास पैसा पूसा है वो शाम को जो रौनक करते हैं, हमने कभी यूरोप में अपने घरों में नहीं किया, बिकॉज वी आर ट्रेन टू वर्क हार्ड एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। उनकी तो मौजे ही मौजे हैं, शाम को जो महफिलें वहां लगती हैं कहीं और नहीं लगती। और हाँ वो भी गरीबों में भी, मैं तो लाइक आई मैंने बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस किया। एवरी टाइम आई वेंट देयर, गरीबों में भी बड़ी रही, मैं जो क्लास में अंदर आई हंग आउट ये थी, तो गरीबों में भी आगे अगर जाओ ना, तो वो भी तो अपना नेचर वहां पे ठर्रा बना के लोग पी रहे होते हैं, उनकी भी पार्टी हो रही होती है। ठीक है, वो क्या करें, वो क्या करें। उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक लास्ट तो नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने देखा था एक मौलाना का वीडियो बड़ा वायरल हुआ फैजल कुरैशी के साथ, जहाँ पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है अभी उन लोगों ने देखा है कि कोई 4 लाख या 2 लाख ऐसे लोग हैं जो कि ब्लास्फेमी कर रहे हैं, राइट, इस्लाम के ऊपर ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ऐसा मटेरियल उनको मिला है डार्क वेब पे, और उनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, राइट, ऑन दिस ब्लास्फेमी इशू। फिर आपसे ब्लास्फेमी देखा कि अभी चाइनीज इन लोगों के साथ क्या हुआ है। सो हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, और क्या आपको ऐसा लगता है क्योंकि लोगों को दबाया जा रहा है और अब इंटरनेट की एज है तो पीपल कैन लर्न अ लॉट, और उनके अंदर ये गुस्सा भरा हुआ है और वो ये गुस्सा इस तरीके से निकालते हैं। आई मीन लाइक दोस थिंग्स, द ब्लास्फेमस स्टफ आई सॉ वाज डिस्गस्टिंग। सो देखिए, इन्होंने मॉब लिंचिंग कल्चर को प्रमोट किया है, ये ब्लास्फेमी लॉ। चले आप, लेट्स अज्यूम के ये कोई गुड इंटेंशन से लाए थे, बट If you see that the application of the law is leading to gross injustice every time, तो आप समझ लें कि ये law defective है। क्यों? ऐसे नहीं होता, law बनते हैं और remove हो जाते हैं जब पता लगता है कि ये इनसे तो नुकसान हो रहा है। तो लोगों ने वही जो आप बता रही हैं, वो aggression जो है वो अमीर class पे तो ये कर नहीं सकते, तो जो इनके हाथ आ जाता है, और ज्यादा कई दफा प्रोफेसरों को भी मार दिया इन्होंने। वो एक प्रोफेसर थे बहावलपुर में, उन्होंने नई क्लास के लिए एक कहा कि भी आज पार्टी होगी, दोनों लड़के लड़की आएंगे, तो वी विल, जो एक होता है, तो उसको जाके उसके स्टूडेंट ने छुरियां मार मार के मार दिया। सो अब इस किस्म के साइकोलॉजी जो है ये ऊपर से तो नहीं उतरी, ये इन्फ्यूज की गई है लोगों के अंदर, ये मदरसों के अंदर और टेक्स्ट बुक्स के जरिए भी, यू नो। तो पाकिस्तान का सारा एजुकेशनल सिस्टम रॉटन है, उसमें से कोई आप क्वालिटी की कोई चीज नहीं कभी देखेंगे। मैंने पीएचडी थीसिस देखे हैं विच आई वुडन पास इवन एज अ बीए पेपर, उसमें ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ना कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, बस कनेक्शंस हों तो आपको पीएचडी भी मिल जाती है। सो थिंग्स आर रियली बैड। द प्रूफ नाउ इज, वो कहते हैं ना, द वो क्या है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, ऐसे कोई बात है ना, वो सब नजर आ गया। हाँ बिल्कुल। ओके, लास्ट सवाल आपसे यही होगा कि व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा, एंड इट हैज या तो चाइना ने कब्जा कर लेना है,
आ जाना है खरीदना है, और अदरवाइज बलोचिस्तान में एक अपनी सेपरेट मूवमेंट चल रही है, अब सिंधु देश वाले सिंध के एक मूवमेंट चला रहे हैं, राइट? एवरीबडी वांट्स टू सेपरेट. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान को अगर बचाना है तो आपको रीजनल अटोनमी को सब्सटेंशियल बनाना पड़ेगा. हाँ जी, फौज को उसका जो काम है मुल्क को डिफेंड करना उसमें लाना पड़ेगा, हाउसिंग सोसाइटीज से निकालो. हाँ जी, ये उनका कोई काम नहीं है. दे आर देयर टू डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एग्रेशन, उसके लिए उनके पास इतने रिसोर्सेज हों. लेकिन एग्रेशन जो है वो ऑब्जेक्टिवली देखी जाए ना, अगर आप इंडिया और के साथ बात करके अपने बॉर्डर्स और ये रिलैक्स कर दें तो दोनों तरफ से यू कैन कट ऑन स्पेंडिंग ऑन आर्ममेंट्स. लेकिन इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू एन आर्म्स रेस विथ इंडिया देन यू आर रूइंड, यू हैव नो चांस. इंडिया जो भी करता है, अपनी इकॉनमी उनकी इतनी बड़ी है कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं. पाकिस्तान तो चलते ही फॉरन वो क्या कहते हैं लोन्स के ऊपर है, और वहां से मेजर पोर्शन चला जाता है लेटेस्ट वेपन लेने के लिए क्योंकि इंडिया ने लिया. तो मैं कहता हूं दोनों मुल्क जो हैं अपने अपनी जगह खुश रहें, इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन को खत्म कर दें. दे कैन टेक केयर ऑफ देयर पीपल, वी टेक केयर ऑफ आवर पीपल, एंड आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड. वरना पाकिस्तान वाकई इम्प्लोड कर जाएगा इन सम वे, उसमें फॉरेन पावर्स भी फिर आ जाएंगी. वो जब देखते हैं कि एक मुल्क हैंडल नहीं हो रहा तो एवरी बॉडी इज देयर टू प्ले देयर गेम. लेकिन ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ. सो दैट्स द वेरी सैड पार्ट ऑफ द पाकिस्तान स्टोरी. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान डिसइंटीग्रेटिंग, क्योंकि इतना ब्लड शेड होगा कि पार्टीशन ऑफ इंडिया पे जो हुआ है उससे ज्यादा नंबर्स होंगे, क्योंकि अब तो लोग वायलेंट भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आर्म्स भी बहुत हैं. हाँ जी, अफगान जिहाद में देखे मदरसे होते थे जहाँ पे मौलवियों को ट्रेन किया जाता था 400 या 500, अब 30,000 मदरसे हैं, और उसके अंदर वो जो गरीबों के बच्चे आते हैं उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं. हमारी टेक्स्ट बुक्स जो नॉर्मल स्कूल की हैं उसमें भी हिंदू नफरत इंडिया नफरत जो है वो आम है, और बाकी भी दुनिया के लिए कोई सिवाय मुसलमानों के किसी के लिए कोई अच्छा लफ्ज नहीं है. प्राइवेट स्कूल में सिखाते हैं ये चीजें, क्योंकि आई मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, राइट? तो मुझे आई आल्सो बिलोंग टू लाइक हाफ नॉन मुस्लिम फैमिली, तो मुझे तो नहीं इतना दिखा. तो क्या ये सिटी स्कूल, बीकन हाउस, इन स्कूलों में भी ये चीजें पढ़ाई जा रही है? देखिये, जो तो है ना करिकुलम जो सबको पढ़ना पड़ता है तो वो तो उनको पढ़ाना पड़ता होगा, पाकिस्तान स्टडीज फॉर एग्जांपल. लेकिन बाकी क्योंकि वो ए लेवल और वो दूसरे कोर्सेज हैं तो वहाँ पे ज़रा उनका क्लासेस और होती हैं, और ये जो एलीट स्कूल्स हैं वहाँ पे रिलैक्स्ड माहौल है. लेकिन वहाँ पे भी ये अबाउट 10 ईयर्स अगो ये जमात इस्लामी का बड़ा होल्ड था, कोई लड़का लड़की बैठ के बात करे तो उसको पीट देते थे वो. तो अब महल अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल नो गर्ल एंड बॉय कैन सिट टुगेदर एंड टॉक. वो जमात इस्लामी के जो गुंडा लॉट है वो आके उनको पीटना शुरू कर देता है. तो थिंग्स आर रियली वेरी बैड. अगर ये मिशाल खान को भी कोई तहरीक के ही लोग थे जिन्होंने, वो मिशाल खान को तो मारा भी उनके क्लास फेलोज ने, कैन यू बिलीव इट? और वो बेचारा पोएट था और बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का बंदा था, अपने क्लास फेलो को मार दिया एमी एक वो. बट पता नहीं उसके जो जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिली है या नहीं. एक तो सजा पाकिस्तान में किसी को नहीं मिलती, और क्राइम इतना इतना ग्रूसम क्राइम होता है लेकिन सजा नहीं मिलती, ये मसला है. हाँ, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट थैंक यू सो मच कि आपने इतना time dear, and I really want to wish you best of luck. India ja rahe hain, mujhe I really want to go to India, magar mere passport pe likha hua hai na born in Pakistan, to fir hame it's very difficult. So, but yeah, no, I wish you all the best,
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।